नीरज चोपड़ा अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 23 साल के इस जेवलिन थ्रोअर ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है और वह ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बता दें कि उन्होंने 87.98 मीटर भाला फेंका था और शनिवार को भारत की झोली में टोक्यो ओलंपिक का एकमात्र गोल्ड मेडल दे दिया। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा के फील्ड की जिंदगी के बारे में भी सभी जानते हैं, लेकिन मैदान के बाहर वह कैसे हैं, इसमें भी आप लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। वहीं महान क्रिकेटर कपिल देव ने नीरज चोपड़ा से एक सवाल किया जिस पर वह शर्माने लगे। कपिल ने एबीपी न्यूज पर खास बातचीत में उनसे शादी के बारे में पूछा। इस सवाल के जवाब में नीरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने जवाब दिया फिलहाल उनका ध्यान पूरा खेल पर है। इस पूरे बातचीत के अंश आप भी सुने। नहीं, अभी तो पूरा अपना फोकस स्पोर्ट्स पे रखें और बाकी शादी जो भी टाइम जो ना वो होता ही रहेगा, लेकिन अपना पूरा फोकस मैं कोशिश करूंगी स्पोर्ट्स पे रखें। आपके आपके पेरेंट्स ने आपके फैमिली वालों ने कहा कि देखो भाई तू अभी तो 2 बार और गोल्ड मेडल लेके आना है, उसका मतलब 8-7-8 साल और शादी करने का कोई इरादा नहीं आपके पेरेंट्स का, आपको मंजूर है ये? पता नहीं जी, मुझे लगता है कि वो शायद जब टाइम आएगा तो शायद वो भी हो जाएगी, पर अभी नहीं है कि अभी तो अभी स्पोर्ट्स करने का वो है तो मन में और पूरा फोकस उसके ऊपर है, तो बिल्कुल अपना पूरा मन और ध्यान पूरा अपना उस पर खुश करेंगे, उसी ऊपर लगा दें और बाकी जो ना हो टाइम पे हो जाएगा। और ये तो नहीं कहीं आपने कोई अपनी फ्रेंड रखी हो और उससे करना है, या माँ बाप पे छोड़ दिया कि जो माँ बाप कहेंगे उसी के साथ हम चलेंगे? सर ये तो वही है कि अभी तो वही गेम पे पूरा ध्यान लगा रखा है और कुछ भी आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, माँ बाप को अच्छा लगेगा वो भी ठीक है, हमको लगेगा तो हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, अगर वो मान जाए तो कुछ भी हो सकता है जी।